वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आई होप आपको टाइम लैप्स पसंद आया होगा इस कैसल का। ये कैसल अभी पूरा तो नहीं बना, लेकिन ओ माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है ये। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डिजाइन अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो अभी ये क्या कहते, तकरीबन 4-5 एपिसोड तो ले जाएगा आराम से, क्योंकि ये इस पर बहुत मेहनत लगने वाली है। ये 4-5 एपिसोड पूरे ले जाएगा। और ये आप देख सकते हो, तो ये है 15 ब्लॉक्स टॉल टावर, और ये है क्या कहते हैं 7 ब्लॉक्स टॉल टावर जो एंट्रेंस है मेरी बीच में। और अभी यहाँ पर साइड पर और भी वॉल्स बनानी है, लेकिन वो भी क्या कहते हैं अगले एपिसोड में हम करेंगे। आज के एपिसोड में मैं क्या कहते हैं जो सा हमें ट्रेजर मैप मिला था एंड से वापस आते हुए, आज हम उसको एक्सप्लोर करने जाएंगे। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ये है मेरी फाउंडेशन, जैसे कि आप देख सकते हो ये है मेरी फाउंडेशन। मुझे पहले ऊपर जाने दो, तो आई आप देख सकते हो ये है मेरी फाउंडेशन। तो मैंने आपसे आइडिया पूछना है, तो प्लीज़ आई नीड सम आइडियाज। वॉल का डिज़ाइन तो मेरे पास है, टावर्स भी मैं बना लूँगा आराम से, लेकिन मुझे ये चीज़ का नहीं पता लग रहा कि मैं कैसल के अंदर क्या बनाऊँगा। मतलब मुझे पता है कि कैसल के अंदर क्या बनाना है मैंने, लेकिन यार मैं अगर सच बोलूँ तो मुझे कैसल बनाना नहीं आता। आई एम नॉट गुड बिल्डिंग, आई एम नॉट गुड एट बिल्डिंग कैसल्स, क्योंकि मुझे कैसल्स का कुछ भी नहीं पता भाई। मैंने ट्यूटोरियल्स देख देख के, बल्कि आप समझ सकते हो मैंने कॉपी की है यार, ये मैंने ट्यूटोरियल देख के बनाए हैं ये वॉल के डिज़ाइन। तो भाई प्लीज़ आई नीड सम आइडियाज़ कि मैं, मतलब मुझे आइडियाज़ का तो पता है कि मतलब मैं क्या क्या बनाऊँगा। अंदर मैंने एक स्टोरेज रूम बनाना है, एक स्मेल्टिंग रूम बनाना है, और 2-3 और, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं अपने जो से मेन बिल्डिंग है वो किस तरीके की बनाऊं। मतलब मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मैं अपनी मेन बिल्डिंग कैसी बनाऊं, मतलब जिसके अंदर मैं रहने वाला हूं, मतलब जो कैसल का मेन बिल्डिंग होने वाला है जिसके अंदर राजा रहेगा। तो मुझे टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि किस किस्म का मैं घर बनाऊँ इस बीच वाले सेक्शन के अंदर। मतलब मैं अपना घर अब शिफ्ट करने लगा हूँ, मैं जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए कैसल, तो मैं इस कैसल के अंदर रहा करूँगा, अपना घर को छोड़ दूंगा। वो जो सा पुराना वाला घर है मेरा, तो मुझे मेन बिल्डिंग के बारे में आइडिया चाहिए। मैं मेन बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग बनाऊँ जो सी मेन बीच में असल आएगी, जिसके अंदर मेरा घर होने वाला है। मेन बिल्डिंग कैसे बनाऊँ प्लीज़ मुझे टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। भाई आई एम सो स्ट्रगलिंग मैन, मुझे आइडियाज़ चाहिए भाई, लेकिन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कितने प्यारा लग रहा है ये पहला भाई, वैसे एक ट्यूटोरियल फॉलो किया, लेकिन आई एम सॉरी यार, मुझे क्या कहते ज़्यादा कैसल बनाने नहीं आते, वरना मैं अपने डिज़ाइन ज़रूर यूज़ करता, लेकिन आई डोंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट अ कैसल। ओके, तो मुझे एक और चीज़ भी पूछनी है कि आप ये बताना कि कैसल की जो उनसे बिल्डिंग्स हैं, मतलब कैसल के जो टावर्स हैं, सही है ना, सही लग रहे हैं ना ये टावर्स, मुझे तो सही लग रहे हैं भाई टावर्स ये वाले। तो इसी तरह का हमारा स्टाइल होने वाला है। तो आज अभी मैं जल्दी से अपने घर में चलता हूँ, और अभी हम अपना मैप लेके आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि आपको पता है क्या कहते हैं, यारे उड़ जा उड़ जा। हाँ, तो जैसे कि आपको पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बेस्ट कासिम ने बताया था कि इस जगह में बनाओ ये वाला एरिया। तो अभी हम क्या कहते हैं एपिसोड के लास्ट में ना उनका नाम दोबारा लिखेंगे, क्योंकि पहले भी उनका नाम आया हुआ है बोर्ड के ऊपर। अगर आप लोग भी कमेंट दे दोगे तो आपका भी नाम आ जाएगा। ओए भाई साहब, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग भी क्या कहते हैं मुझे कोई टिप्स दोगे तो आपका भी नाम उस बोर्ड के ऊपर आ जाएगा, लेकिन आज दोबारा उनका नाम आने वाला है, क्योंकि उन्होंने आइडिया दिया मुझे। तो ये रहा हमारा कैसल, अभी कितना प्यारा लग, जब भी पूरा हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा ना ये। तो ये है हमारी फाउंडेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉल का फाउंडेशन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस एरिया में भी मैं कुछ बनाऊँ, तो मैं बताऊँ इस एरिया में क्या बनाने वाला हूँ। मैं इस एरिया में एक ओल्ड टाउन बनाना चाहता हूँ, एक रूअंड टाउन, मतलब जो टूट फूट गया, जो ख़राब हो चुका है। यानी मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो सा वहाँ पर टाउन है ना, वो वाला टाउन पहले इधर रहता था, और ये वाला टाउन पता नहीं कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ ख़राब होकर सब कुछ टूट गया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक और कैसल बनाऊँगा। लेकिन वो वाला कैसल होगा बिल्कुल ही ख़राब, गुंजान सा टूटा हुआ कैसल, और छोटे वाला कैसल बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आइडिया अच्छा है कि नहीं अच्छा। मैं इधर क्या कहते हैं एक ओल्ड रूअंड टाउन बनाऊँगा, दिखाऊँगा कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये सारा का सारा टाउन खराब कहते हैं ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, और जिसकी वजह से दूसरे विलेजर्स को उधर शिफ्ट होना पड़ा। तो इसी बिल्कुल हमारे आबाद दुबई के सामने, यस ये भी मेरे कमेंट सेक्शन में एक ने बताया था कि दुबई की तरह, तो हमारे दुबई के आगे एक पुराना दुबई होगा, जो मतलब बिल्कुल ही मतलब ख़राब सा टूटा फूटे मकान होंगे सारे, मतलब आग लगी होगी अंदर। और मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे यहाँ पर लोग जंग हुई थी, कोई मतलब कोई हादसा हुआ था या जंग हुई थी, तो वहाँ पर मैं थोड़ी सी बॉडीज भी फेंकूंगा,
डेड बॉडीज, मतलब मैं हेड तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं क्या कहते हैं रेड स्टोन यूज कर सकता है एज अ ब्लड, तो ब्लड मैं फेंकूंगा इधर और भाई मतलब बहुत अच्छा होने लगा। लेकिन पहले हम फोकस करेंगे अपने कैसल प्रोजेक्ट के ऊपर, और ये कैसल प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम इधर सोचेंगे काम करने का। तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आइडिया अच्छा है कि नहीं अच्छा, और अब हम जल्दी से चलते हैं इस ट्रेजर को लेने। तो हम बिल्कुल पास ही हैं, तो अभी हम जल्दी से अपने इसको ऑफ हैंड में रखते हैं और निकलते हैं ट्रेजर हंटिंग के लिए। तो गाइस देखो, मैं लाइटरा चला रहा था तो इसलिए मैं पहुंच भी गया अपनी जगह के अंदर। ओके ओके, इधर चलना है, इधर चलना है, किधर चलना है भाई, ओए चल जा। ओके ओके, बिल्कुल नीचे, यहाँ पर बिल्कुल नीचे है। तो अभी हम जल्दी से नीचे पहुंचते हैं और ट्रेजर हंट करना शुरू करते हैं। तो गाइस तकरीबन मुझे 18 मिनट हो गए हैं यहाँ पर, 18 मिनट्स पूरे हो गए मुझे यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर खोदते हुए देख सकते हैं, पूरा का पूरा एरिया खोदते। अगर मैंने इतनी मेहनत अपने कैसल में की होती ना, तो अब तक सारा कैसल भी खत्म हो गया होगा था। मुझे मिल नहीं रहा, आई हेट इट। अरे भाई पिकेक्स को नहीं हेट करता मैं, पिकेक्स वापस पकड़ भाई। आई सेट, एक मिनट एक काम करता हूँ, आई हेट दिस, आई एम गोइंग टाटा। अभी मैं घर जा रहा हूँ भाई, क्या मतलब ये मजाक हो रहा है? नहीं ये मजाक हो रहा है यार, क्या मतलब, कब से ढूंढी जा रहा हूँ, मिल नहीं रहा। जी हम वापस आ गए अपने दुबई के अंदर, और अभी हम यहाँ पर जल्दी से अपने घर की तरफ चलते हैं। वैसे हमारा फ्यूचर होम तो ये होने वाला है, और ये पहुँच गए हम प्यारे से अपने स्वीट लिटिल होम के अंदर। एंड और अगले एपिसोड में हम अपने कैसल के ऊपर भी काम करेंगे, और अपने एनिमल्स के लिए, उन अपने मतलब जेफ के लिए, अपनी मुस्किन के लिए, और अपने क्या कहते हैं ये प्याली प्याली से कतरीना के लिए ना घर बनाएंगे अलग अलग। तो ये रही हमारी प्याली कतरीना, और हमारा जेफू किधर है? जेफू जेफू जेफ क्या भाई? यार ये जेफ डिस्पॉन तो नहीं हो सकता ना, ये हो नहीं सकता भाई। वेट अ मिनट, जेफ नहीं, जेफ जेफ कतरीना किधर है? जेफ जेफ किधर है? और मुस्किन भी कहाँ है? जेफ मुस्किन ये दोनों किधर गए? चुपन चपाई ना खेलो मेरे साथ भाई। ओए जेफ जेफ आयरन गोलम किधर है? मेरा जेफ किधर है? मेरी मुस्किन, मैंने कहा किधर है? मैंने बोला किधर है, किधर है? यार धोखेबाज, मेरी जेफ, मेरा मुस्किन और मेरे जेफ, मेरी मुस्किन और मेरा जेफ, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं यार, यार वो कैसे मर गया? डिस्पॉन तो वो हो नहीं सकता, ये देस चांस कभी नहीं बन सकता भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा यार, कहाँ गया जेफ? ओ माय गॉड यार, दैट्स इट गाइस। अगले एपिसोड में हम कुछ नहीं बना रहे, अगले एपिसोड में अब अपने जेफ और मिस्किन के लिए कवर बनाएंगे, उसकी उसको रिस्पेक्ट पे करेंगे हम। हाँ यार, अगले एपिसोड में हम एक ग्रेवयार्ड बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे प्यारे से जेफ और हमारी मुस्किन की लाश होगी। पता नहीं किसने मारा, लेकिन जिसने भी मारा मैं उससे बदला जरूर लूंगा। लगता है मुझे इस ट्रेडर ने किया कुछ। ट्रेडर कहाँ जा रहा है? मुझे पता किधर है, मुझे पता है मेरे जेफ और मुस्किन कहाँ है, वह मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किधर भाग रहा है तू? मैंने कहा किधर है? जवाब दे, जवाब नहीं देता तू मुझे, जवाब दे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ धोखे बाज, मेरे जेफ और मेरी मुस्किन कहाँ है? मुझे जवाब दो, तू किधर भाग रहे? बता मेरी जेफ और कहाँ है, मेरी जेफ और मुस्किन कहाँ है, जेफ और मुस्किन कहाँ है? अगले एपिसोड में बस डेट्स इट, अगले एपिसोड में हम ग्रेवयार्ड बना रहे हैं, और नो मैटर व्हाट हैपेंस हम बदला जरूर लेंगे जिसने भी मुस्किन और जेफ को मारा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय। I can hear the sound.